नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव पर। रामगोपाल वर्मा की हॉरर फिल्म भूत को 20 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म में उर्मिला मांडोडकर और अजय देवगन मुख्य भूमिका अदा करते हुए दिखाई दिए। हाल में ही दिए गए इंटरव्यू में रामगोपाल वर्मा ने बताया कि उनकी फिल्म का आम दर्शकों तक गहरा प्रभाव पड़ा था। रामगोपाल ने बताया कि यहां तक कि उनकी माँ भी फिल्म भूत को देख करके डर गई थी। रामगोपाल कहते हैं कि वे जानती थी कि फिल्म उनके बेटे ने बनाई है, इसके बावजूद वे डर गई थी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में कई और खुलासे किए। उन्होंने अपनी फिल्म को लेकर अमिताभ बच्चन के रिएक्शन का भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जब अमिताभ बच्चन ने फिल्म का प्रीव्यू देखा तो उनका मन उन्हें पीटने को कर रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसी फिल्म क्यों बनाई। इस फिल्म के दौरान वह खुद से नफरत करते थे, ये सोचकर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और वे इसे देखने ही क्यों आए। फिल्म के 20 साल होने पर राम गोपाल वर्मा ने कई बातों का खुलासा किया। उनकी माने तो एक हॉरर फिल्म में इमोशंस को जगाना खूबी होनी चाहिए, भले ही इमोशन डर के रूप में क्यों ना हो। इस दौरान राम गोपाल वर्मा ने ये खुलासा भी किया कि शुरुआत में इस फिल्म के लिए अभिषेक बच्चन को ही सिलेक्ट किया गया था, लेकिन किसी वजह से उन्हें नहीं लिया गया, वे काम नहीं कर पाए, जिसके बाद अजय देवगन को इस फिल्म के लिए चुना गया था। बता दें कि राम गोपाल की इस फिल्म में उर्मिला मांडोडकर, अजय देवगन के अलावा नाना पाटेकर, फरदीन खान, रेखा, विक्टर बैनर्जी, बरखा मदान, सीमा विश्वास और तनुजा भी अहम किरदार निभा रहे थे।